आजादपुर मंडी के अंदर कोरोना से बचाव के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। राजधानी दिल्ली की आजादपुर मंडी में हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में आजादपुर मंडी के अंदर आने वाले लोगों को और वहां व्यापार करने वाले लोगों को कोविड-19 के फैलने का खतरा ज्यादा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा मंडी के अंदर जागरूकता अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी में मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में लोगों को कोविड-19 के बचाव के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही कोविड-19 के नियमों और लॉकडाउन के नियमों का किस तरह से पालन किया जाएगा इस बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा आजादपुर मंडी में लोगों को निःशुल्क मास्क भी किए गए वितरित। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से मंडी के अंदर आने जाने वाले लोगों को मास्क और सेंटर का भी वितरण किया गया, जिससे हर कोई मास्क लगाकर आजादपुर मंडी के अंदर आना जाना करे और मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ उचित दूरी का भी ध्यान रखे। यही तरीके हैं जिससे कोविड-19 से बचा जा सकता है और इसी बचाव के लिए आज दिल्ली पुलिस द्वारा आजादपुर मंडी के अंदर जागरूकता अभियान चलाया गया। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए इस तरीके से जागरूकता अभियान की बेहद सख्त जरूरत थी और ख़ास तौर पर आजादपुर मंडी के अंदर जहाँ भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पर लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी था, जिससे लोग खुद को कोविड-19 सबे और यह प्रयास कितना सफल साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट। मनोज कुमार सिंगल। मनोज कुमार जी, आप दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आज आप मास्क बांट रहे हैं, और कितने मास्क बांट रहे हैं और किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस में जो मंडी के चौकी प्रभारी हैं आशीष कुमार जी और उनकी टीम, उनके साथ हमने मिलकर पूरी मंडी का दौरा किया और लगभग सैकड़ों की संख्या में मास्क बांटे हैं। और मैं दिल्ली पुलिस का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो वो इतना लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मंडी में घूम घूम कर खुद लोगों को मास्क के प्रति जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना बीमारी से एक ही तरीका है सबसे जो कारगर है वो मास्क जरूरी है, कि लोग मास्क लगा के जरूर रहें। और दिल्ली पुलिस की टीम और मंडी की जो टीम है पूरी प्रभारी जी, वो पूरा काम कर रहे हैं। हरेंद्र शर्मा। हरेंद्र शर्मा जी, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आप मास्क बांट रहे हैं, आप कितने लोगों को बांट चुके हैं और क्या क्या समझाया जा रहा है लोगों को? हम कम से 250 करीब मास्क बांट चुके हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, काफ़ी टीम है हमारे पास, उन्होंने सबको यही समझाया है कि अपना मास्क लगाइए, अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए और कोरोना को दूर भगाने में हमारी मदद कीजिए। दूसरी लहर अब लगातार है इसके अंदर, तो इसीलिए हमारे दिल्ली पुलिस की टीम हमारे साथ लगी हुई है और हम इनके साथ लगे हुए हैं, तो हमें थोड़े से लोगों को समझाने में
दिक्कत तो आ रही है। खैर दिल्ली पुलिस का सहयोग है, जो साथ में चौकी इंचार्ज भी हैं, स्टाफ भी है, फूल देकर भी उनको बताया जा रहा है, क्या उसके बारे में क्या समझाया जा रहा है? देखिए ये बहुत अच्छा कदम है ना दिल्ली पुलिस वालों का कि वो मास्क ही बांट रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, और जिन्होंने डबल मास्क लगा रखा है उनको गुलाब का फूल भी दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं लगा रखा उनको भी, उनको शर्मिंदा करने के लिए उनको भी गुलाब का फूल दिया जा रहा है कि देखो आपकी वजह से ही कोरोना कम हो रहा है और आपकी वजह से ही कोरोना बढ़ रहा है।